13 दिसंबर का दिन देश विदेश में कई बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के लिए दर्ज है, लेकिन भारत के लिए ये दिन किसी काले दिन से कम नहीं है। आपको बता दें कि इसी दिन भारतीय संसद पर हमला हुआ था। 13 दिसंबर का दिन इतिहास में देश विदेश की कई बड़ी घटनाओं के साथ दर्ज है। 2001 में 13 अगस्त की सुबह आतंक का आला साया देश के लोकतंत्र की दहलीज तक आ पहुंचा था। देश की राजधानी के बेहद महफूज माने जाने वाले इलाके में शान से खड़ी संसद भवन की इमारत में घुसने के लिए आतंकियों ने सफेद रंग की एमरजेंसी का इस्तेमाल किया और सुरक्षा कर्मियों को गच्चा देने में कामयाब रहे, लेकिन उनके कदम लोकतंत्र के मंदिर को अपवित्र कर पाते उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वो उस कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूल सकते। पीएम ने ट्वीट किया, हम 2021 में इस दिन अपने संसद पर हुए कायरतापूर्ण हमले को कभी नहीं भूलेंगे। हम उन लोगों की वीरता और बलिदान को याद करते हैं जिन्होंने अपनी संसद की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाई। भारत हमेशा उनका शुक्रगुजार रहेगा। तो आज संसद पर हुए हमले की बरसी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर उन वीर जवानों के शौर्य को याद किया है जिन्होंने संसद की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे।